बन भी पहुँच चुके हैं और जो मोबाइल चार्ज किया जाता है वो डाटा केबल ख़राब हो गया है। तो चलो अगर दुकान अगर ओपन है धनुई में तो उसको ले लेते हैं फ्रेंड। हम दुकान पे पहुँच चुके हैं और यहीं पे पहुँच चुके हैं, अभी चाचा है नहीं और उनका वेट करते हैं। चाचा उस तरफ है वहाँ से और यहाँ से आ रहे हैं और मुझे लेना है डाटा केबल। तो ये है चाचा का कुछ धनुई में दुकान इस तरह है और ये देखिए बोतल का व्यवस्था वस्था करके ला रहे हैं। चाचा पाए लगी पकड़ लिए चाचा कर दे पाए लगी और ठीक है। तो फाइनल हाय गाइस वेलकम बैक न्यू ब्लॉग प्यारी सी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में सब लोग खुश होंगे। तो फाइनली गाइस हम तो नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं तो अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। बस हमारे से ब्लॉग में बने रहिए और सुबह सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है और अगर कोई तन मन से अगर कोई काम किया जाए तो एकदम सफलतापूर्वक डन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली गाइस एकदम हम फर्स्ट क्लास हो गए हैं। तो चलिए गाइस फाइनली गाइस हम पेट्रोल टंकी पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है तो लाल पे दिखाई दे रहा है। तो चलो पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं। चाचा जी गुड मॉर्निंग, आओ ठीक है चाचा 510 का पेट्रोल डाल दीजिए और गाड़ी का नंबर डाल दीजिएगा आगे का। बहुत दूर चले गए थे चाचा, कभी यहाँ पे ख़त्म होता है कभी वहाँ ख़त्म, कहीं समगड़ा ऐसे ख़त्म होता है। तो जौन इलाका टंकी जल्दी करीब में पड़ता है वहीं से डलवा लेते हैं। तो फाइनली गाइस मीटर चलना स्टार्ट हो गया। पाँच सौ दस एकदम रेडी, टंकी फुल हो चुका फाइनली गाइस। चलते हुए साथ भी मिल गए गाइस, जब रास्ते में कोई चाहने वाला मिल जाता है तो कितना खुशी की बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली गाइस हमारे टंकी तो एकदम फुल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है एकदम, देखो किस तरफ से किस तरफ हो गया, कितना मस्त लग रहा है। तो फाइनली गाइस अब हम आ गए हैं मार्केट में और मार्केट से होते हुए निकलते हैं फ्रेंड। निकलता हूँ तो सुबह सुबह साफ होगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आलू उतरेगा, ये सब पूरा व्यवस्था सुबह सुबह होने लगता है फ्रेंड। ये सुबह का दृश्य देख के बहुत मन खुश होता है, अपने अपने काम में सब लोग लग जाते हैं। चलिए गाइस हम मार्केट तो पूरा निकल आए लेकिन मार्केट का लुक कुछ सुबह सुबह इसी तरह था, देख के अच्छा लग रहा था। और फाइनली गाइस हमारा जो फर्स्ट लेट है वो है पंडित प्रवा और आप लोग सोचते होंगे ना पता नहीं क्या डालता रहता है लेकिन मुझे सुबह का जो व्यू सुबह का कुछ डिफरेंस ये नज़ारे या व्यू मुझे बहुत देख के बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मुझे अपने कैमरे में कैद करते हुए अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि वही चीज़ दोहराते हैं लेकिन जैसा भी है फिलहाल हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली गाइस अब हम तो निकल चुके हैं, बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए गाइस और देखिए कितना प्यारा मस्त कितना ढेर सारा पेड़ लगा हुआ इस तरफ और ये देखिए इस तरफ फूल की खेती हो रही है ये पूरा ऑल टोटल। और अब ये लौकी तैयार हो रहा है, इस तरफ तो ज़्यादातर खेती खेती होती है हरी हरी सब्जियों का, ये बहुत मस्त लगता है। कभी बारी आने वाला है पिपरमिंट पेरा जाएगा ये मस्त लगेगा। और ये देखिए गाइस कितना प्यारा प्यारा खीरा लगा हुआ है इस तरफ, एकदम पूरा ऑल टोटल खीरा ही खीरा लगा हुआ ताज़ा ताज़ा। और इसको देखो कितना प्यारा घेर के रखे हुए हैं कि कोई जानवर अंदर ना जाने पाए, मस्त लग रहा है ना फ्रेंड। मुरझा गया इस तरफ सारा तरवई, पोड़ा लगा हुआ फ्रेंड, पोड़ा और तरवई। हम पंडित पुरवा पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से फर्स्ट लीड एक्सेप्ट करके निकलते हैं फ्रेंड।
गाइस हमारा पंडित प्रवास से जो भी लीड आई हुई थी और बढ़िया चेयर भी मिल गया यहाँ पे बैठने के लिए, और यहाँ पे हम भी बैठे हुए हैं और एक शैतान इस तरफ बैठा हुआ है भाई, मतलब क्यूट फ्रेंड एंड दोस्त, अच्छा दोस्त जैसा भी, फिलहाल बहुत मस्त आदमी है। तो इन लोगों का काम हो गया है और अब हमें यहाँ से निकलने का बारी आ गया है। तो भाई तुम ठीक हो? देखो भाई हमारा बोल रहा है एकदम मस्त है, झक्कास है। तो जो भी हमारा काम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह लोगों का काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर जब डांटते हैं वो भी बहुत प्रसन्न आता है, बहुत खुशी होती है कि चलो मुझे डांट तो रहे हैं, किसी बहाने डांट तो रहे हैं। तो फाइनली गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। गाइस अब हम वहाँ से निकल चुके हैं और ये है जंगल टाइप का, एकदम मस्त आ रहा है व्यू। ये है बाग है लेकिन प्यारा लग रहा है। जो दूसरा लीड आया हुआ है वह है दिलखावा गांव से, अब यहां से निकल चुके हैं दिलखावा के लिए। तो फाइनली गाइस हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए, आपको ले चलते हैं दिलखावा। तो चलिए गाइस पक्की को छोड़ते हुए फिर पक्की एंड हाईवे मिल चुका है, जो एकदम मस्त जगह और एकदम मस्त जगह। ये देखिए अब मुझे बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता मिल चुका है गाइस। तो हर गाड़ी आती जाती है, बड़े छोटे सब पूरा ऑटो। गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं पिलरवा, पिलरवा चौराहा, और पिलरवा चौराहा से ही हमें मिलना है। कितना मस्त, कितना प्यारा दीवार है सुबह सुबह। ऐसे जाते थे जहाँ उनके पास गाड़ी नहीं थी तब, लेकिन बहुत मस्त लगता था। गाइस मुझे पक्के छोड़ते हुए इस कच्चे पे निकलना पड़ेगा फ्रेंड। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलता रहता है फ्रेंड बीच बीच में, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। मस्त मस्त लग रहा है, खेत के दारे लगा हुआ है, और ये इस तरफ कितना बड़ा तालाब। आम चुकेगा तब खड़े होते बहुत अच्छा लगेगा, और ये बगल में तालाब और ये इस तरफ मस्त। गांव में पहुंच चुके हैं और ये देखो अपना प्यारा सही रहो जयराम, और कैसे हो, कैसे हो, मस्त हो ना, चलो अच्छी बात है। तो फाइनली बाबा देखो चमकीला टाइप का। तो फाइनली गाइस जो हमारा दूसरा लीड था तिलखावा गांव से वो एक्सेप्ट करके फिर निकलते हैं, एकदम प्रॉपर पहुंच गए हैं गाइस, बस वेट करते हैं और करके फिर निकलते हैं। आज ये भी घर पे मिल गए, सब हम घर पर ही रहते हैं, घर ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। गाइस हमारा यहाँ से भी लीड एक्सेप्ट हो चुका है, और जो अब हमारा तीसरा लीड आया हुआ है वो है अमकोलवा। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग में ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ये जो पीछे वाला साहब है ना, बहुत मस्त व्यक्ति हैं यार, मुझे मिलके तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बता सकते हैं। मुझे इसी रास्ते पे निकलना। गाइस अब हम निकल लिए हैं अमकोलवा के लिए, और ये है धनवी के लिए रास्ता, और धनवी पहले जाएंगे, धनवी से फिर मिलेगा अमकोलवा। गाइस हम धनवी पहुंच चुके हैं, और जो मोबाइल चार्ज किया जाता है वो डाटा केबल ख़राब हो गया है। तो चलो अगर दुकान अगर ओपन है धनवी में तो उसको ले लेते हैं फ्रेंड। हम दुकान पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे पहुंच चुके हैं, अभी चाचा है नहीं और उनका वेट करते हैं, चाचा उस तरफ है वहाँ से और यहाँ से आ रहे हैं, और मुझे लेना है डाटा केबल। तो ये है चाचा का कुछ धनोही में दुकान इस तरह है, और ये देखिए बोतल का व्यवस्था वस्था करके ला रहे हैं। चाचा पाए लगी पकड़ लिए चाचा कर दे पाए लगी और ठीक है। तो फाइनली गाइस ये है चाचा का दुकान यहाँ पे, और ये यहाँ इस तरफ से आप आएंगे इकोना से आएंगे तो, और इस तरफ से आएंगे तो ये दुकान यहीं पे पड़ेगा, और ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। तो डाटा केबल लेके फिर निकलते हैं।
यह फर्स्ट क्लास हमारे लिए डाटा केबल निकाल दीजिए, लेकिन ये मोबाइल चार्ज करे, दोनों मोबाइल मुझे चार्ज करना है, ठीक है। और आज अवसर बहुत दिन के बाद मिला हुआ कि ऐसा शुक्रमा हो कि हमारा डाटा केबल ख़राब हो गया और चाचा के पास हम आ गए। डाटा केबल ऐसे टाइम पे ख़राब हुआ है कि मोबाइल भी फास्ट। तब डाटा केबल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मस्त है। और ये है 120 वाट का, इतना फास्ट मोबाइल चार्ज हो रहा है, इतना फास्ट मोबाइल चार्ज हो रहा है कि क्या बताएं, बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है। हमने एकदम प्रॉपर ले लिया है, तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस हम निकल चुके हैं हम कोलवा के लिए। अब हम पहुँचने वाले हैं हम कोलवा, और यहाँ से फिर मार्केट पड़ेगा 4 किलोमीटर। गाइस हमारा जो हम कोलवा से लीड आया हुआ था वो भी प्रॉपर एक्सेप्ट हो चुका है, और अब हम यहाँ से निकलते हैं साईपुरवा बुड़नी। गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं बुड़नी साईपुरवा, तो बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से एकदम प्रॉपर लीड एक्सेप्ट हो चुका है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। और अभी पहुँचे हैं लोहारनपुरवा, ये है लोहारनपुरवा फ्रेंड, और ये है चौकीदारपुरवा जिसको बोलते हैं खरगौरा जनू। खरगौरा जनू का दुकानें ऐसे हैं, और उस तरफ टावर लगा हुआ है जिसमें चारों कंपनियां हैं। आगे है खरगौरा जनू, और ये खरगौरा जनू का टावर फ्रेंड, और मुझे निकलना है इस तरफ, इस वाले रास्ते से। Thank you.